वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले आज वॉक में बनाते हैं, आपका जिसमें दिल चाहे आप बनाएं। तो देखिए ये प्री हीटेड मेरा वॉक है, इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल, आप चाहें तो घी वगैरह में भी बना सकते हैं, मज़े का लगेगा। और अब ये चूँकि प्री हीटेड ही था तो अब हम डायरेक्ट ही इसमें डाल देंगे चिकन जो कि मेरी बोन के साथ है, 2 पाउंड है इन्हें 1 किलो के आसपास। देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने कट लगा दिया है, कट लगाने की वजह यह है कि मसाला बड़े अच्छे से अंदर घुसे और मज़ेदार सी हो जाए चिकन भी। तो चले अब इसको हम डाल देते हैं अपने तेल में। आप चाहें तो इसको बोनलेस भी बना सकते हैं, लेकिन बोन के साथ ये वाली चिकन कढ़ाई ज़्यादा मज़े की लगती है। बस इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक के चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम हमारी हाई है और हाई ही रखनी है, अगर स्लो रखेंगे तो क्या है कि चिकन का पानी रिलीज़ होगा और इतना जल्दी फ्राई नहीं होगा जितना हमें करना है। देखें पानी जो है वो ऑलमोस्ट अब्सॉर्ब हो गया है, चिकन का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा दही और उसको भूनेंगे। तो ये तकरीबन ये 2 या 3 और 4 टेबलस्पून हमने दही डाल दिया है और उसको भून लेंगे। चले अब दही के साथ भूनते हैं। इस दौरान हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा, इन्हें आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा टमाटोज़ हैं जिसके मैंने छिलके निकाल दिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपके टमाटोज़ अच्छे से सख्त सख्त हैं तब आप छिलके अभी निकाल सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर थोड़े से नरम है तब इसमें डालने के बाद बड़ा बड़ा छिलका निकाल सकते हैं, और अगर बहुत सॉफ्ट है कि छिलके में प्रॉब्लम ही नहीं है, जब आप खुश हैं लाइफ आपकी ब्यूटीफुल है, तो चले इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। चले ये तो हमारे ज़बरदस्त से हो गए। अब मिर्चें क्या करते हैं, 2-3 मिर्चें जो है वो थोड़ी सी काट लेते हैं और 2-3 जो है ऐसे ही रहने देंगे। तो ये 2 मिर्चें जो है वो हम थोड़ी सी इसको इस तरह से कर देंगे और 2-3 मिर्चें इसी तरह रहने देंगे, सिर्फ ज़रा सी हल्की सी ये देखें ये स्लिट कर देंगे हल्का सा, इससे क्या है कि मिर्चें हमारी फटेंगी नहीं अंदर जाके, ये देखें इस तरह से कर देंगे बस। चले इसको देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, ये देखें हल्के हल्के ब्राउन हो रहा है नीचे से, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इसी तरह चाहिए। कितनी खुश है दही में जाके देखें, दही का पानी जो है वो ऑलमोस्ट सूख गया है, तेल जो है वो ऊपर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये डाल देंगे टोमेटोस, और उसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसको कवर करके और पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो अब चूल्हा इतना ही हाई है क्योंकि दही का पानी तो हमने सुखा दिया, अब टोमेटो का पानी रिलीज़ होगा, टोमेटो का पानी रिलीज़ होगा और उसी में पकेगी। तो 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट तक के लिए कवर करके पकाएंगे। तो चले मिलते हैं 8-10 मिनट में। 10 मिनट्स हो गई है, अब इसको हम कवर को हटा देते हैं। देखा आपने टमाटर का पानी कैसा रिलीज़ हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन,
थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा उसको दबा दबा के और फिर भूनते जाएंगे। चले अब इसमें हम झटपट ढेर सारे मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूं है कि हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये आधा टीस्पून है तो हम 2 डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 डालेंगे, आधा टीस्पून है ये, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ये 1 और ये दूसरा। अब यहाँ हमारे पास है काली मिर्चें, तो काली मिर्चें भी डालेंगे 1 टीस्पून, और ये है आधा और, तो 1 टीस्पून हो गया। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ है भुना कुटा धनिया, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। और भुना कुटा जीरा, ये 1/2 टीस्पून जाएगा। चले अब हम इसको भूनते हैं अच्छे से। ये देखिए कितना खुश खुश है, ये खुश इसलिए भी है कि मेरे नए नए जार में से मसाले गए ना, तो इनकी इज्जत अफजाई हो गई है। सबसे पहले ग्रैंड ओपनिंग मैंने यहाँ की है। देखिए मसाले डालते के साथ मॉइस्चर कैसा लिपटा है, तो वो राइट टाइम है कि मॉइस्चर हो और मसाले डाल दो और उसी में वो भुनना शुरू हो जाए। चले इस पॉइंट पर अब हम ये हमारी साबुत वाली मिर्चें डाल देंगे। चूल्हा हमारा लगातार जब से हमने स्टार्ट किया तो अभी तक हाई पे ही है, तो आप हाई एंड मीडियम हाई, डिपेंड्स आपके चूल्हे किस तरह के, अगर बहुत तेज़ है तो मीडियम हाई टू हाई पे रखेंगे। खुशबू इतनी ख़तरनाक आ रही है। चले अब इसमें हमने 4 टेबलस्पून पहले डाला था ना दही, तो अब इसमें 4 टेबलस्पून बाकी डाल देंगे। और इसको भून लेंगे। चले अब हम इस पॉइंट पर चूल्हे को मीडियम कर देंगे, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भुन भी गया है, हमें बस अब हल्की सी तरी की ज़रूरत है। और इस दौरान हम हरा धनिया काट लेंगे। देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, देखिए तरी भी आना शुरू हो गई है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका चिपक रहा है तो आप 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं इसको, लेकिन हमने रखा मीडियम पे ही है। अब हम यहाँ जूलियन अदरक काट लेंगे। चले हमारा अदरक तो हमने जूलियन एंड चॉप मिक्स कर दिया है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा मेथी, तो 2 टीस्पून के आसपास डाल देंगे मेथी, तो जान है कढ़ाई की। इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ये जो चॉप टाइप का जूलियन है वो अदरक,
थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून नींबू का रस, देखिए कितना ज़बरदस्त सा नींबू है, चलिए ज़बरदस्त। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब बस 2 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि सारी चीज़ें, अदरक का मज़ा, सूखी मेथी का, नींबू का, सब मिक्स हो जाए, मज़ेदार सा हो जाए। चलें तो मिलते हैं 2-3 मिनट में। तो देखिए ख़तरनाक खुशबूएं आ रही है। तो चले अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारा खूबसूरत खूबसूरत रेस्टोरेंट कढ़ाई रेडी है। कौन कौन आ रहा है खाने? तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है। चलो पराठे के साथ खाएंगे गरम गरम। पातलाना ख़तरनाक। आप लोगों के लिए एक बाइट तो बनता है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। मार डाला लास्ट में जो अदरक डाला ना, उसका मज़ा, मेथी का इस कदर फ्लेवरफुल, इतना ही मज़ेदार अंदर तक मसाला लगा हुआ है। रेस्टोरेंट स्टाइल छप्पर फाड़ के बनाए आप लोग, हमने मज़े करें, धमाल मचा दें। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।